ये सिर्फ मैचेस देखने नहीं आते हैं, प्रैक्टिस में भी जाते हैं और फिर उनके साथ समय बिताते हैं। और ये तो और ये कह रहे होंगे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सर बेटा। एक्चुअली इज अ दिल्ली बॉय राइट, और कोलकाता का इनका कनेक्शन है। आई मीन ये हमने कहा था ना कि ये जवान है, ये पठान है, ये राहुल भी है और ये राज भी है, लेकिन राज यहाँ करते हैं। जी बिल्कुल, राज करते हैं। और आप देखेंगे जब ऋषभ पंत का विकेट गिरा, खुश भी थे लेकिन थोड़े निराश भी हुए, क्योंकि दिल तो धड़कता है दिल्ली के लिए भी। और जानते हैं उनका जो घर है यहाँ पे, जिस तरीके से इन्हें खुशी मिली है, ट्रॉफी भी जीते हैं, तो यहाँ पे उनके पास समय जब है तो आके अपने प्लेयरों के साथ बिता रहे हैं। जानते हैं कि जब इतना बड़ा आदमी आके आपके साथ रूबरू होता है, आपके पास समय बिताता है, तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इनडायरेक्टली पॉजिटिविटी लाते हैं, तो उस चीज़ों में ये बिलीव रखते हैं और इसीलिए समय ज़्यादा बिता रहे हैं लड़कों के साथ। एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक चीज़ और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, चेपॉक में अक्सर ऐसा होता है, ईडन गार्डन्स अभी भी ऑलमोस्ट भरा हुआ है। यूजली मैच खत्म होता है, लोग ट्रैम पकड़ के, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के जो है घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हुआ नहीं है ये। क्योंकि बिगेस्ट आप देखेंगे सुपर स्टार हैं, और जब अपने फैंस को कोई ऐसे रूबरू कराता है, जैसे ओझा ने बात की, उनका क्यूट बेटा, उनके साथ वो बेटी देखी कितने अच्छे से वो वॉक कर रही है साथ में, तो बहुत अच्छा दृश्य। और ये फैंस ना इसी चीज़ का इंडियन प्रीमियर लीग में इन्जॉय करते हैं, और गुड टू सी कि इतने बड़े सुपरस्टार फैंस का अभिवादन करते हुए उनको एक मेहमान नवाजी जब होती है पठान के घर पे, तो ये जब इस्तकबाल जिस तरीके से करे ना, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और क्योंकि अब थोड़े से समय के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स बाहर जाएंगे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगला मुकाबला एक्चुअली वानखेड़े स्टेडियम में, हो सकता है शाहरुख वहां पे भी आपको नजर आ जाए। 7 विकेट से जीता है ये मुकाबला, बादशाह खुश हैं, उनके फैंस जिनके सामने उनकी बादशाहत है वो भी बहुत खुश हैं, लेकिन खुश इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि वो बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद, खासतौर से फिल सॉल्ट का वो जो ताबड़तोड़ अर्धशतक आया, और वहीं से आ गया हमारा टिक मेकर ऑफ द डे।